असं बोला अरे मी विचारलं हे काय तुप्पू एवढा सगळ्या उडी घेऊन स्वतः चालू झाले काय. बेसिकली दिस इज द थर्ड डे ऑफ अवर जर्नी एंड वी आर गोइंग टू कारगिल. वहाँ पे जाएंगे और बीच में जोजिला पास भी लगने वाला है और बैकअप अपने पास सब है. अभी हॉल में हूँ तो जो नेक्स्ट व्यू है बाहर का, अभी जस्ट सनराइज हो चुका है और इट्स द टाइम अराउंड 6:21 or 6:30. तो बेसिकली जो अपना राइड का टाइमिंग जो था वो 6 था, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप ग्रुप में राइड करते हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है. तो देखते बाहर का व्यू कैसा है. तो जिसकी मैं बात कर रहा था वो जो व्यू है बाहर का वो ये है. पूरा जो लेक है, दल लेक है, वो काफ़ी बड़ा है. कल हम लोग शिकारा राइड के लिए गए थे तो वो टाइम पे ये हम लोग एक्सप्लोर कर पाए. तो अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे और आज का राइड भी सुपर डुपर एक्साइटेड है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पास है. तो जाएंगे और वहाँ पे सूरज ऑलमोस्ट आ चुका है तो अपने को जो कलर चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा. तो गाइस फाइनली वी आर लिविंग. तो 7:30 बज चुके हैं ऑलरेडी. हम लोग बहुत पीछे मतलब है टाइम पे, बट ठीक है ग्रुप राइड में ऐसा होते रहता है बिकॉज इधर उधर टाइम एडजस्ट करना पड़ता है. तो हम लोग जिधर रुके थे वो बोट हाउस जो था वो इनका था. सो ये आमिर भाई और ये आकिब भाई, तो इन्होंने एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया मुझे. कल वाईफाई यूज़ करने के लिए तो फाइनली मुझे मतलब घर पे कांटेक्ट करना हो गया. दिस इज़ द कार्ड. सो आप लोग पॉज कर सकते हो और ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं. तो रियली थैंकफुल. थैंक यू सर. काफ़ी अच्छा खाना वगैरह सब. प्लेजर. बाकी प्लेस पे आना रहेगा तो कांटेक्ट कर लेंगे. चलो चलो थैंक यू. थैंक यू. सेफ जर्नी सर. तो शिकारा से रोड तक जाने के लिए आपका नाम क्या है भाई साहब? जज्जा. ओके जज्जा साहब हम लोग को रोड तक पहुंचा देंगे हमारी बाइक से. ये एक दिन मतलब जर्नी का स्टार्टिंग ही एकदम कड़क हो गया था अपना. तो आगे तो और भी काफ़ी व्यूज़ आएंगे तो देखते हैं. बाइक पे मिलता हूँ अभी. यू आर लिविंग. क्लियर है क्या? चलो 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 चलो. सो फाइनली वी आर लिविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस द लेक. दिस इज़ अवर सेकेंड डे गाइज. वी आर लिविंग फॉर कारगिल. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आप लोग को पता ही चलेगा. बाय द वे जस्ट हैव अ लुक ऑन माय लेफ्ट साइड. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है. सुबह का एटमॉस्फेयर है एकदम चिल्ड. कल हम लोग वहाँ तक गए थे वो पूरा एंड जाके पूरा घूम के आए और काफ़ी मज़ा आया. यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे काफ़ी सारा ग्रीनरीज, माउंटेंस, स्नो, कर्व्स, बेंड्स, हेयर पिन बेंड्स, ये सब आएंगे. तो वो देखने के लिए आगे तो जाना बनता है बस. तो ये तो कुछ नहीं है, ये बस एक ट्रिप का स्टार्ट है. तो आगे भी काफ़ी कुछ आने वाला है तो स्टे ट्यून गाइज. और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सकेगा. ये लद्दाख का ट्रिप तो पैसा वसूल होने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे को. तो यहाँ से ले इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स. कारगिल कितना था? 174. विथ दिस ब्रेथ टेकिंग व्यू. ऊपर का जो पार्ट है ना वो कुछ अलग ही है, मतलब उसको वर्ड्स में बोल ही नहीं सकते. और उसमें हम लोग राइड कर रहे हैं तो अभी पूरा जर्नी अपना सिमिलर काइंड ऑफ व्यूज ही रहेगा, इससे भी बेहतर होएगा. तो यहाँ पे एक छोटा सा लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है अभी जस्ट हुआ है और यहाँ पे पूरा मलबा पड़ा है. स्लशी रोड है पूरा तो ध्यान से चलाना पड़ेगा.
एक 5 या 10 मिनट तक हम लोग रुके थे वहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा लाइन लगा पड़ा है। पता नहीं अभी वो कब तक क्लियर हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा वो क्लियर करने में। बट ये अभी करंट सिचुएशन है, आज है 2nd of August, हम लोग का ये ट्रिप का ये 3rd डे है। तो आगे अभी काफ़ी कुछ है प्लान, टोटल ये 15 दिन का जर्नी है बेसिकली। तो यहाँ से ले जो है वो 354 है, द्रास इज 71, जिधर हम लोग अभी जा रहे हैं। और रास्ते में सोनमार्ग वगैरह भी लगेगा। क्या व्यू मिल रहा है यार, एक नंबर, वाव मैन वाव, जस्ट लुक एट इट यार। एक कर्व रोड है पूरा, जैसे हम लोगों ने कोस्टल राइड कैसे किया था वैसे पूरा एक नदी बह रहा है बाजू में से, और यहाँ पे पहाड़ है। यहाँ पे आने से पहले ना काफ़ी सारा रिसर्च होना और उसका प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ क्या है कि यहाँ की सारी जो जगह है वो हाई अल्टीट्यूड प्लेसेस है, तो उसकी वजह से ना किसी को भी AMS मतलब अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस वो हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे ले है 349, द्रास इज 66, जहाँ पे वो मेमोरियल है। और वेलकम टू सोनमार्ग, थैंक यू सो मच। तो फाइनली हम लोग सोनमार्ग वैली में से निकल चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम रुके थे हम लोग, तो कारगिल वॉर मेमोरियल जो है वो 5 बजे तक बंद होता है। तो अभी अपने को वो थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि 100% एक्सप्लोर होएगा कि नहीं। ये पूरा जो वैली है वो सोनमार्ग वैली ही बोलते हैं इसको, और सबसे टॉप में अगर आप लोग देखोगे वहाँ पर भी है, वहाँ पर पूरा बर्फ का चादर है और उसके नीचे ब्राउन कलर का माउंटेंस वगैरह है, और उसके नीचे पूरा पेड़ एंड ऑल सही दिख रहा है एकदम। मतलब हम लोग के लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली एकदम मैं तो एकदम खतरनाक खुश हुआ हूँ, जैसा बोगेम वो भी खुश हुआ था। आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो कुछ आधा घंटा लगने का संभावना है, मतलब उसके बाद जाएंगे। क्लियरेंस मिल गया है, फिर भी फिर एक्चुअली काम चल रहा है, सो हाई रिस्क जोन। तो हम लोग फिलहाल है जोजिला पास में, और आई डाउट कि हमें कारगिल वॉर मेमोरियल देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे बाइकर्स दिख रहे हैं, और ये फर्स्ट अवेंजर पर्सन आई एम वॉचिंग। Oh my god, what a killer, first snow of our ride, glacier hai ye, and
and there is a first water crossing. So Swami is shooting me. I hope I won't be fall. So this is Zozila altitude 11649 feet. ये है जोजिला का बोर्ड. कितने आपके साथ सिंगल? गाड़ी वाले साइड में. गाड़ी वाले साइड में. एक मिनट एक मिनट. चंबल लगला काली ले 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 वन रुकना नहीं, बस ऐसे दिखा देंगे. तो यहाँ पे RDBCR अगर आपने किया रहेगा तो वो दिखाना पड़ता है, और यहाँ पे स्टैंप मार के फिर आपको लेह में जाना, लेह में एंट्री मिलता है. सो अभी जस्ट उन्होंने RDBCR चेक कराया और वहाँ पे स्टैंप मार के देते, फिर देन ओनली यू कैन एंटर टू द ले. मतलब कुछ दिन पहले मैं बस दूसरों के ब्लॉग से ले का जो मज़ा था वो लेता था, एंड वी आर नाउ एंटरिंग इन टू ले. सो यहाँ पे वेलकम का कमान है उनका, वेलकम टूरिज्म. और यहाँ पे वो चेक करना है. लामा युरो तो और एक जगह पे हम लोग को चेक इन, मतलब चेक करना पड़ता है. और जो जो लोग श्रीनगर से ले जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड वो लोग रखते हैं, तो पूरा स्टैम्प, हर एक का नाम और बाइक का डिटेल्स, मतलब नंबर, वो मेंशन करके रखते हैं वहाँ पे, और स्टैम्प भी लगाते हैं. तो आफ्टर दिस यू कैन गो इजीली. मतलब ये अभी फ़िलहाल का सिचुएशन है. दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जब भी आओगे अभी तभी यही रूल फॉलो होगा. दिस इज़ द करंट सिचुएशन इन द ऑगस्ट. सो यू कैन सी द बाइकर ब्रदरहुड. मतलब अभी तक मैंने हज़ारों तो नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट ऑलमोस्ट लाइक कितना, मतलब 50 से तो ऊपर ही देखा है बाइकर्स को. तो जो भी जा रहा है बस ऐसे उंगली करके, मतलब उंगली मतलब थंब दिखा के या फिर कुछ ना कुछ ये करके जा रहा है. सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट द बाइकर ब्रदरहुड. दिस इज़ द रिस्पेक्ट फॉर द बाइकर्स कम्युनिटी. यहाँ से द्रास 5-6 किलोमीटर ही बचा है शायद से. आपने अभी देखा रहेगा वो ट्रक कैसा गया. 2 मिनट के लिए मैं फ्रीज हो गया था कि अपना जो दोस्त था वो सामने ही था, तो नसीब से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. क्या है कि पता नहीं, मतलब कौन से दुनिया में ऐसे ड्राइवर रहते हैं, कौन से दुनिया भर का खाई रहता है. 2 मिनट रुक नहीं सकते थे क्या वो लोग? मतलब मूड ही ख़राब हो गया मेरा. वहाँ से कारगिल इज 54, और कारगिल का जो वॉर मेमोरियल है वो 2 किलोमीटर आगे है. ऐसा सही लगता है ना, एकदम बाइकर्स पूरा लीनियर फॉर्मेशन में जाते हैं और
रिस्पेक्टिंग द रूल्स, इतना मज़ा आता है चलाने में। तो अभी जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल पे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को कारगिल का स्टोरी पता रहेगा, बट स्टिल थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे पास ऑन करना था, तो इसके लिए मैं वॉइस ओवर का हेल्प ले रहा हूँ। कारगिल वॉर मेमोरियल, ये कारगिल वॉर जो हुआ था तो उसके अगेंस्ट में बनाया गया था। कारगिल वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं और उसको जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक अगेंस्ट फायर होता है। वो देखते ही देखते ये लड़ाई छूट जाती है, जिसको मैं और आप जानते हैं कारगिल वॉर के नाम से। सो आइए देखते हैं ये कारगिल वॉर की स्टोरी। कहानी स्टार्ट होती है 3 मई 1999 में, बटालिक रीजन के शेफर्ड थे ताशी नामग्याल करके, तो उनकी जो याक थी वो यहाँ कहीं पे गुम हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए ये अपने फ्रेंड के साथ निकल पड़ते हैं। इसको ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है, कुछ आदमी हथियार ताने मंकर्स की डिगिंग कर रहे थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने नज़दीक के इंडियन आर्मी कैंप में पास ऑन कर दी। थैंकफुली ये जो इन्फॉर्मेशन ताशी नामग्याल ने दी थी ये इंडियन आर्मी ने चेक की और लकीली ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट निकली। ये जो इंट्रूजन पाकिस्तानी फौज द्वारा हुआ था ये कुछ छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं था, ये प्रॉपरली वेल प्लान्ड अटैक था। ये जो इंट्रूजन्स हुए थे वो काक्सर और जो 0.5140 है टोलोलिंग पहाड़ी के आसपास द्रास रीजन में, वो वहाँ पर, और एक मुश्को करके प्लेस है जो टाइगर हिल के आसपास आता है वहाँ पर हुई थी। ये पाकिस्तान के प्लान में उनका जो टारगेट था वो नेशनल हाईवे 1 NH1 को ब्रेक करना था। इससे जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख रीजन से टोटली अलग कर सकते थे। तो सबसे पहला जो इंडियन आर्मी का जो टारगेट था वो था टोलोलिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करना। ये टोलोलिंग कैप्चर करने के लिए मेजर राजेश अधिकारी इन्होंने लीड किया। टोलोलिंग की जो हाइट थी वो थी 16,000 फीट। अनफॉर्चुनेटली ये टोलोलिंग की पहाड़ी कैप्चर करते टाइम मेजर राजेश अधिकारी शहीद हो गए। उसके बाद फिर कर्नल रविंद्रनाथ इन्होंने ये टोलोलिंग का कमांड लिया और फाइनली इंडियन आर्मी सक्सेसफुल रही ये टोलोलिंग को कैप्चर करने के लिए। इस टोलोलिंग को कैप्चर करने में मेजर विवेक गुप्ता ये भी शहीद हो गए। इसके बाद जो इंडियन आर्मी का जो टास्क था वो था 0.5140 को कैप्चर करना, और ये टास्क असाइन किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। ये पॉइंट कैप्चर करने के लिए टीम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल इनके अंडर में रहेगा, और जो दूसरा ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको आप शेरशाह ये नाम से भी जानते रहेंगे। फाइनली ये दोनों ग्रुप्स अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुल रहे और 0.5140 कैप्चर हुआ विद नो कैजुअलिटीज। इंडियन आर्मी का जो नेक्स्ट टास्क था वो था टाइगर हिल को रिकैप्चर करना। इसमें जो सबसे डिफिकल्ट टास्क था वो था एक वर्टिकल लिफ्ट को चढ़कर पार करना। तो ये जो टास्क था इसमें योगेंद्र सिंह यादव मौजूद थे। ये वर्टिकल लिफ्ट चढ़ने के लिए माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स का सहारा लिया गया था, और ये करते टाइम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी आर्मी को इनके बारे में पता चल गया। लक्ष्य मूवी में जो वर्टिकल लिफ्ट जो ऋतिक रोशन चढ़ते हैं वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। दूसरी तरफ और भी बचे कुचे जो हिल टॉप्स थे उनको रिकैप्चर करने के लिए मिशन चल रहे थे, उसमें से एक था 0.4875। ये मिशन भी कैप्टन विक्रम बत्रा को असाइन किया गया। इस टाइम इनके जो बैटल कंपेनियन थे वो थे कैप्टन
अनुज नायर। 8 जुलाई को ये मिशन भी कंप्लीट हुआ और इन्होंने रिकैप्चर कर लिया 0.4875। मिशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था बट अनफॉर्चुनेटली एक लेफ्टिनेंट थे जो अपने पैर गवा चुके थे एक एक्सप्लोजन में, उनको बचाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ये चले गए और उसी दौरान उनको एक गोली लगी जिसकी वजह से वो इस मिशन में शहीद हो गए। तो ये मिशन में कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर इन दोनों को खो दिया। इसके बाद इस पॉइंट को नाम दिया गया बत्रा का। के बाद में 11 जुलाई को पाकिस्तानी आर्मी ने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था और इंडिया ने बाकी जो पॉइंट्स थे बटालिक रीजन में वो भी इजीली कैप्चर कर दिए। और 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डिक्लेयर कर रहे थे ऑपरेशन विजय को एज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। और उसके बाद 26 जुलाई को इंडियन आर्मी ऑफिशियली अनाउंस कर दिए है जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस किए गए थे वो कम्प्लीटली इवैक कर दिए है और रिकैप्चर कर दिया है। तो वहीं आज के दिन 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थी कारगिल की स्टोरी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी सुनने में मज़ा आया रहेगा। अभी कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। सो कारगिल वॉर मेमोरियल एक्सप्लोरर के हो गया। सो दिस इज द कारगिल वॉर मेमोरियल। रुकना है पेट्रोल पंप पे क्योंकि कल हमारे जो गाइड है उन्होंने बोला है कि पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो अपने को बाइक का टैंक जो है वो पहले से ही फुल रखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा लगा कारगिल का जो स्टोरी है वो तो आपने सुन ही लिया रहेगा स्टोरी टेलिंग में से। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये संडे और सैटरडे दो दिन बंद रहता है, तो इन केस अगर आप कभी प्लान कर रहे हो तो थोड़ा उस हिसाब से कर लीजिएगा। हाँ, आपको कुछ दिख रहा है क्या भाई लोग? सामने पूरा स्नो कैप माउंटेन्स है। यहाँ से कारगिल इज ओनली नाउ 14 किलोमीटर्स। तो फाइनली अपना जो आज का दिन है वो ख़त्म होने वाला है और आज हम लोग है day 3 के एंड में। तो अभी बज रहे हैं 11 और सबका लंच वगैरह सॉरी डिनर हो गया है। तो आज का अपना राइड कितना मतलब किलोमीटर था? ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर। और बीच में हम लोग को एक लैंडस्लाइड भी मिला, तो वहाँ पे भी मतलब थोड़ा आधा घंटा चला गया। तो हम लोग को लग रहा था कि कारगिल वॉर मेमोरियल होने वाला है कि नहीं, बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हम लोग को एक्सप्लोर करने मिला और काफ़ी अच्छा मतलब जाके लगा वहाँ पे। और बस इतना ही था आज के दिन में। एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि गूगल पे दिखा है कि कारगिल वॉर मेमोरियल 5 या 5:30 बजे बंद हो जाता है, बट हम लोगों ने सोल्जर्स उधर जो थे उनको पूछा तो बोले कि सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक चालू रहता है। और हम लोग वहाँ 6 बजे तक थे तो वो चालू ही था, 6:30 तक थे तो चालू ही था। और मैंने बोला था ना वो कॉफी खतरनाक कॉफी कॉफी और मोमोज याद से पूछ के लेना क्योंकि हम लोगों ने चिकन मोमोज है, वो भी था वो मत। तो बस राइट। तो कल के दिन का प्लान कल के व्लॉग में देख लो जो सस्पेंस है। यस राइट। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा रहेगा तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो और अगर कुछ भी सजेशंस रहेगा आपका तो बता सकते हो। और बस इतना ही, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।